छुट्टी के दिन खाने पीने की मौज, सबके साथ मिलकर महफिल में बैठना, गले लगाकर दिल की बात बताना, और भी बहुत कुछ खास होता है त्योहारों में। लेकिन हर त्योहार में रौनक लगती है रूह अफजा वाली फील से। 100 साल से भी ज्यादा का भरोसा, गुडनेस ऑफ हर्ब्स और नेचुरली रिफ्रेशिंग टेस्ट, ये सब बनाता है इस कूलिंग ड्रिंक को द ड्रिंक ऑफ इंडिया। वो भी क्या दिन थे जब समर वेकेशन और रूह अफजा एक ही साथ आते थे। हमारे फ्रिज में तो रौनक जैसे रूह अफजा से आती थी। लेकिन आज फिर से कुछ स्पेशल, आज फिर से एक खास त्योहार की तैयारी में, आज है ईद। तो सबसे पहले आप सभी को ईद की ढेर सारी मुबारक, ठीक है, दावत रेडी। तो चलिए फिर आ जाइए आप मेरे साथ ईद मन। और हाँ, अपनी बचपन की सारी यादें मेरे साथ शेयर जरूर करिए, जब आपकी गर्मियों की छुट्टी में रौनक रूह अफजा से आती थी।